हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रदीप वन टू सुर गुरु की तरफ से आज मैं आपको गिटार में तार कैसे डालते हैं, यानी कि स्ट्रिंग। आपकी तार टूट जाती है तो ये रीज़न होता है कि प्रॉपर म्यूजिक की नॉलेज ना, कानों की सेंसिटिविटी ना होना, ट्यूनर पे ट्यूनिंग करना। वैसे तो असली में ये होता है बिना ट्यूनर के जो ट्यूनिंग कर सके उसकी तारें कमी टूटती हैं, तो जो नए बिगनर हैं उनके लिए तो नेचुरली टूटेंगी। तो आप सबसे पहले क्या करना है, ये टूटी तार को कैसे निकालना है। सबसे पहले आपने इस इधर जाना है, एक पीछे जो पिन लगी हुई है पिन में आपने प्लायर से नहीं खींचना है इसको, कभी प्लास से, नहीं तो टूट जाएगी। सॉफ्ट होती है, प्लास्टिक होता है। ये पेचकस ले लेना, पेचकस को इस दो दो पिन के बीच में डाल के इसको डाउन ऐसे करना है तो ये ऊपर को आ जाएगा ऐसा। तो इसको निकाल के इसको ये निकल गई तार पुरानी, तो नई तार डालने के लिए आपको इसमें डाल के इसको खोल के इसको खोल लेना, इसको खोल लेना, इसको ये खोलने के बाद फिर क्या करना है आपको, ये जो ये सिरा है ये देख रहे हैं ना ये पॉइंट, इसको इसमें डालना है, इसको इसमें डालना है, इसमें ऐसा डालना है। तो जो पिन निकाली थी हमने, ये पिन जो हमने निकाली थी, तो इसका जो पिन में होता है ये कर्व सा बीच में से कट बना हुआ है, ये कट का ख्याल रखना है। ये नहीं जैसे मर्जी डाल दो, ये कट को उधर रखना जिधर तार है। मीन्स देखिए ये जो बीच में कट लगा हुआ है इसके बीच में, इसको इधर डालना है। अगर नहीं डलेगा प्रॉपर तो ये अंदर जाएगा नहीं। तो इसको ये देखो डाला मैंने प्रॉपर, तो आ गया जहाँ कट बीज में लगा हुआ। तो तार को आपने खींच के सबसे पहले क्या करना है, ये जो पुराने जो टुकड़े इसमें लगे रहते हैं उसको निकाल देना है। तो सबसे पहले ये छेक ढूंढना है इधर का, की में डालना आपको, की में डालना इसको ऐसे, की में डालना इसको, ये छेक है जो की के इसमें डाल के इसको डाल के खींच देना है। इसका छेक देख के ये छेक इसके अंदर आ गया। ये देखिए अगर इधर है तो इधर से घुमा के उल्टा, अगर इधर को है तार तो घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा ये। तो इसको खींच देना है ऐसे, ये तार को ऐसे खींच देना है, ये ऐसे खींच देना। तो क्या करना है, ये पूरी तार नहीं करनी आपको खींचनी, तो इसको क्या करना है एंटी क्लॉक ऐसे लपेट देना तार को, ऐसे ऐसे उल्टी ऐसे उल्टा चक्कर लगाना एंटी क्लॉक। तो ये तार जब ऐसे उठा रख के इसको फिर यहाँ से इधर को क्लॉक वाइज घुमाना है, ये देखिए घुमाना। अगर एंटी क्लॉक की बजाय क्लॉक वाइज डाल दोगे तार तो उल्टा काम करेगी, अगर आप की कसोगे तो उल्टा ढीली होगी। ये होगी आपकी तार डल गई। अब मैं तब तक करते रहो जब तक ये पूरी टाइट ना हो जाए, ये देखो टाइट होगी, ये देखिए ये तरीका। इसको करना है इसमें छेक में डालकर उल्टा लपेटना एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। अगर इस अगर उल्टा ऐसा करोगे क्लॉक वाइज करोगे तो तार उल्टा काम करेगी, कि अगर टाइट करोगे तो ये ढीली होगी उल्टा काम करेगी, नहीं तो अक्सर देखा होगा आपने। तो आपने क्या करना है, गिटार की जो ट्यूनिंग है उसको आपने पता ही होगा नाम तारों के, ये 99% लोग पहली तार को ई पे ट्यून करते हैं, दूसरी को बी पे, तीसरी को जी पे, चौथी को डी पे, पांचवी को ए पे, छठवीं को ई पे। क्या दोबारा सुन लीजिए, पहली तार को ई पे करते हैं, दूसरी को बी पे करते हैं, तीसरी को जी पे करते हैं, चौथी को डी पे करते हैं, पांचवी को ए पे करते हैं, छठवीं को ई पे। तो आप अगर मेरा थोड़ा सजेशन है, क्योंकि मेरा भी तजर्बा हो गया, 50-55 साल हो गए मेरे को गिटार बजाते हुए,
अगर आप इसको लो ट्यूनिंग पे रखोगे, या काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, एक एक नोट डाउन करके आप ट्यूनिंग करेंगे तो गिटार में क्या होगा, ये टाइट कम होंगी तारें, तारें टूटेंगी नहीं जल्दी, और ये उंगलियाँ दुखेंगे नहीं आपके दबाने में, सॉफ्ट हो जाएगी गिटार अगर लो ट्यूनिंग करेंगे। लो ट्यूनिंग का मीनिंग अभी समझाता हूँ मैं, प्लस ये बैंड नहीं होगी तार, ये गिटार ये बैंड नहीं होगी। तो एक नोट कम करना है पहली तार का, ई का, ई की बजाय डी पे करना है आपको, डी पे, डी पे करना है ट्यूनर, ट्यूनर ले लेना, क्योंकि बिगिनर को तो ट्यूनर ही से होता है, पहले को डी पे करना है, ठीक है, ये ट्यूनर को कर लेना, मेरे पास इस ट्यूनर नहीं है तो डी पे कर लेना, दूसरी तार का नाम बी होता है, उसको करना है आपको ए पे। अब थर्ड को करना है जी होता है ना तार का, थर्ड का नाम, तो आपको करना है एफ पे, चौथी होती है डी, आपको करना सी पे, एक एक नोट डाउन, पांचवी होती है ए, एक नोट डाउन करेंगे तो जी आ जाएगा, जी पे करना है पांचवी तार, छेमी सेम आती है, पहली छेमी सेम होती है, दोनों को डी पे करना ना, ये डी पे आएगी छेमी तार, सिक्स थी इसे मिला लो, पहली से मिला लो, पहली सेम ही ऐसे, दोनों की ट्यूनिंग सेम, अगर आप लो ट्यूनिंग करेंगे गिटार शॉर्ट हो जाएगी, ये हाई ट्यूनिंग आपकी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे वीडियो पे मेरे नंबर से लिखें, तो आप मैसेज भी फ़ोन भी कर सकते हैं कोई डाउट हो। नेक्स्ट मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगा, लास्ट मैंने 5-7-8 महीने के बाद वीडियो डाली थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही थी हमारे ऑफिस की, स्टूडियो की, इस वजह से हम लेट हो गए थे। अभी मैंने पीछे डाली थी 3 वीडियोस, उससे पहले 6 महीने नहीं डाली थी मैंने, 6 से भी ज़्यादा। तो तब तक के लिए, नई वीडियो तक आने के लिए आपसे मैं विदाई के लेता हूँ आपसे, तब मिलेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे, ओके बाय।